बता सकता हूँ क्या ये पीछे मीडिया वाले लोगों से थोड़ा पीछे आ जाओ है ना एक नया आगाज हमने शुरू किया है। बिहार और बंगाल तो हमेशा से आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन एक प्रॉपर पावर पैक तरीके से इन दो राज्यों को जो जोड़कर किसान जी लेके आए हैं, उस चीज को हम लोगों ने पर्दे पे उतारने की कोशिश की और एक नया फ्यूजन क्रिएट किया हम लोगों ने। बंधु तीन दिन जो कि बहुत ही फेमस सॉन्ग है बंगाल का, और उसमें भोजपुरी तड़का खेसारी जी ने अपने खूबसूरत अंदाज में और बहुत ही फनी अंदाज, राधा मैं ये कहना चाहूंगा कि आप और बहुत दिनों बाद वो लेके आए हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से दर्शकों ने उसको एक्सेप्ट किया है। मोशन पोस्टर ट्रेन कर रहा है, टीजर ट्रेन कर रहा है, सॉन्ग मेन सेक्शन में ट्रेन कर रहा है, म्यूजिक सेक्शन में ट्रेन कर रहा है, और इस पूजा के माहौल में जब सिर्फ देवी गीत चल रहे हैं तो खेसारी जी बंगाल में आए, वो कह रहे हैं कि कुछ जबरदस्त डांस और मजा किया जाए। तो खेसारी जी कुछ बताइए इस गाने के बारे में कि मतलब कैसे आपको ये एक दिन ख्याल आया कि ये किया जाए। हेलो, अच्छा हमारा चालू हुआ। सबसे पहले तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना सबको, और जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं सबको दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे लिए इतने बेशकीमती समय निकाला, और सिर्फ भोजपुरी के लिए और बंगाल के लिए जितने भी लोग बंगाल से हैं भोजपुरी से हैं सबको दिल से धन्यवाद। जितने भी हमारे ब्लॉगर हैं, टिकटॉकर हैं, जितने भी हमारे भाई आए, अंग्रेजी है हमको बोलने में घबरा जाएगा, कुछ इन्फ्लुएंसर कुछ बोल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर होता है ना, हाँ तो इन्फ्लुएंसर जितने भी लोग हैं हमारे भाई हैं और हमारी बहनें भी हैं अब बहनें इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कल चल के तुम्ही में से कोई मेरी हीरोइन हो जाएगी लेकिन कोई नहीं, एक्टिंग एक्टिंग होता है और इसके अपने जगह पे होते हैं। आप लोग मेरी बहन की तरह हो और हमेशा रहोगे, वो एक मस्ती थी, उसको प्लीज दिल पे कोई मत ले लेना ना, वो रिश्ते सीरियस है और ना ही वो दोस्ती सीरियस है। और जहाँ तक सवाल है हमारे सारेगामा हम भोजपुरी के, तो सारेगामा हम भोजपुरी की कोई भी अगर मेरा गाना होता है रिलीज तो एक त्यौहार की तरह होता है हमेशा। मुझे जब भी मेरा कोई गाना रिलीज है इस कंपनी से हुआ है तो, और बद्री जी का और बद्री जी की पूरी टीम जो होती है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नॉर्मल एक कंपनी का देखा जाए तो एक नॉर्मल कंपनी का जो पूरे गाने का बजट होता है उतना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। तो ये बड़े लोग हैं, इनका मैं तुलना किसी और कंपनी का नहीं कर सकता। तो
क्योंकि सारेगामा छोटी कंपनी नहीं, आज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है और भोजपुरी में ये आई, हमारा सौभाग्य है जी, सारेगामा भोजपुरी को प्रेजेंट कर रही है आज हर जगह पे। इन्होंने बादशाह को भी लाया, पंजाब के एक रैपर को कहीं ना कहीं भोजपुरी में उन्होंने शब्द बुलवाए, आज बंगाल का गाना। ये मैं गाना बहुत, जब मैं ब्यास लाइन में जब रामायण महाभारत गाता था ना, तो ये गाना जब मैं, एक ही गाना आता था मुझे, तो मैं सामने वाले को चैलेंज करता था कि बंगला गा सकता है तू, क्योंकि इसके बाद मेरे को कोई गाना ही नहीं था कि बंदो तीन दिन तो बाड़ी को कलम देखा पैलम ना देखा हूँ है देखा पैलम ना ना हाँ वही जो भाई जी बोल रहे हम देखा कर दिए हैं, कोई बात नहीं। तो अब आप बंगाल और बिहार मुझे लगता है कि बहुत सिमिलर है, हम दोनों का भाषा है, एक मौसी और एक माँ की तरह है। और बहुत सारे बिहार के लोग बंगाल में ही रहते हैं, हमारे गांव से करीब बहुत सारे लोगों का खटाल भी है, रेस कोर्स में भी बहुत सारे लोग आए। तो मेरे ही घर के लोग बंगाल में नहीं है, अदरवाइज मेरे गाँव के सारे लोग बंगाल में हैं। तो एक सारेगामा का सबसे बड़ा खूबी है कि मुझे लगता है कि भोजपुरी में कोई एक अन्नपूर्णा फिल्म से मैंने गाना किया था हरदी लगे जान के, तो उसमें इनका कॉपी किए थे वो, हाँ नया किए थे कुछ। पहली बार बद्री झा जी ने ऐसा मीडिया को भी सम्मान देने का काम किया, जितने भी हमारे ब्लॉग क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंसर, वो इन्फ्लुएंसरों को सम्मान देना, जो भी है आप जो बोल रहे हैं, तो सबको सम्मान देना। और हमारी मीडिया जो होती है हमारी चीजों को अच्छा भी बोल सकती है बुरा भी बोल सकती है, तो ये तो कहीं ना कहीं समाज की आईना है आप सब, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आप सबके सामने कुछ बोल पाते हैं। ऐसी हमारी क्षमता तो कुछ नहीं है, बस हम एक कलाकार हैं और कलाकार के नाते मैं अच्छा गा सकता हूँ, अच्छा बोल तो नहीं सकता, मैं अच्छा गाने की कोशिश भी करता, अच्छा गाता भी नहीं मैं। हमारे भोजपुरी में बहुत सारे सिंगर हैं जो मेरे कंपनी पे आजकल कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए देखा जाए तो शुरुआत सारे का मतलब खेसारी से हुआ ना, और खेसारी के कंपनी पे आजकल नए नए लोग आ गए हैं ज्यादा। ये मस्ती था यार, इसको प्लीज कंट्रोवर्सी मत कर देना आप लोग, ऐसा नहीं है, हम एक कलाकार हैं और कलाकार के लिए कोई भाषा मायने नहीं रखता, कोई कंपनी मायने नहीं रखती, कोई जगह मायने नहीं रखती, कोई जिला मायने नहीं रखता, कोई देश मायने नहीं रखता। हम अच्छे गाने की कोशिश करते हैं, हम अच्छा कंटेंट आप सबके बीच में देने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका हम भरपूर मनोरंजन करा सकें, आपको कभी ठेस ना पहुंचे हमारे बातों से, हमारे संगीत से, हमारे गाने से। और इसमें सारेगामा का बहुत बड़ा योगदान है कि आज इस लेवल पे सिनेमा का मुहूर्त नहीं हो पाता है, इस मुहूर्त पे ऐसे माहौल में कभी हमने सिनेमा को, इधर में नेट सिनेमा आया था बहुत बढ़िया चला, उसको के ऊपर हम लोगों ने मेहनत डोली सजा के रखना, तो उसमें हम लोगों ने मीडिया का सहारा लिया, क्योंकि मीडिया बहुत बड़ी ताकत होती है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो नेता हो अभिनेता हो, दुनिया में अगर अपनी बातें रखनी है तो मीडिया सबसे बड़ा जरिया है। आप लाइव आकर कितने लोगों को बता सकते हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि मीडिया एक ऐसी स्तंभ है और हम सबको मीडिया का स्वागत करना चाहिए। और मैं मीडिया से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भोजपुरी की सिर्फ अश्लीलता के बारे में मत पूछा करिए, बिल्कुल सही, जब अच्छाइयों के बारे में पूछिएगा ना तो शायद हमारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही होगा। हम बुराइयों को पूछकर इतना पूछ देते हैं कि दुनिया बुराई के तरफ ही भागती है, जो गाने हम नहीं सुनना चाहते हैं, जो हमारे लोग नहीं सुनना चाहते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, उसको भी हम सर्च करके और उसी गाने के बारे में पूछ पूछ के उस गाने को सब्सक्राइब में ला देते हैं, उसको व्यूअर ला देते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर एक बुरा होता है तो 75 अच्छी चीज होते हैं, तो आप लोग अच्छी चीजें पूछिएगा, अच्छे के बारे में पूछिएगा। तो रावण तो एक ही था, लेकिन रामायण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए, तो सिर्फ एक रावण के मारने से नहीं कहलाए वो, उनके जीवन में बहुत सारी रास्ते में घटना घटी, चौपाइयां बहुत है रामायण, खाली रावण तो पकड़ तुलत चौलत है। तो मैं अपनी मीडिया, जितने भी हमारे मीडिया कर्मी भाई हैं, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ रावण को पकड़ के मत चलिए, रामायण सिर्फ रावण से नहीं थी, उसमें रिश्ते भी दिखाए गए हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम एक गाना गलत अगर गा देते हैं तो मुझे लगता है कि 40 को तो भजन गाते हैं, तो उस भजन के बारे में भी पूछिएगा तो दुनिया को समझ में आएगी कि नहीं, हमारे भोजपुरी में गंदे चीज नहीं होते हैं,
क्योंकि आप जब गंदा पूछते हैं ना तो पूरी दुनिया और बाकी स्टेट के लोगों के दिमाग में यही होता है कि भोजपुरी में सिर्फ गंदा ही होता है। तो मैं सबसे, आप लोग मेरे गार्जियन स्वरूप हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि किसी भी आर्टिस्ट या कहीं भी किसी से कुछ सवाल करिए तो अच्छाई के बारे में ज्यादा करिए, गंदगी को आप खुद डिवाइड करिए ताकि गंदा दुनिया ना सुने। आप बोल के सच कराते हैं तो अब सारे नम, और हमारी अरसी अरसिया है ये भी पंजाब से है तो मिस्टर अली आपने तीन स्टेट आपने इंक्लूड करके पंजाब बंगाल और भोजपुरी। मैं क्या बोला, संगीत के लिए कोई स्टेट मायने नहीं रखता, कोई भाषा मायने नहीं रखता। हमें अगर अच्छा करना आता है तो हम कहीं भी जाकर काम करते हैं। कब पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में काम नहीं करते हैं, करते हैं ना। तो उस कलाकार है, कलाकार की कोई जाति नहीं होती, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, कलाकार का कोई सीमा नहीं होता। और दो चीजें ऐसी है कि जो क्लियर होती है, एक मीडिया जो निष्पक्ष अपने जीवन में चलाती है दुनिया की खबर, उसके लिए कोई जाति प्रथा नहीं है, और एक कलाकार जो निष्पक्ष अपने कला के बारे में बात करता है और अपने कलाकारी से दुनिया को अपना बनाता है। तो सारे गामा कंपनी में जब भी हम लोग कुछ करते हैं तो हमें एक त्यौहार की तरह लगता है। और बंधु तीन दिन ये गाना बहुत पॉपुलर पहले का गाना है और सारे गामा का कंटेंट था, और मैं इसको गा रहा था एक दिन तो बाबा ने ही बोला, क्योंकि ये जौहरी टाइप के इंसान है, ये जब भी आते हैं तो पहले जब पहली बार मिले थे तो मैं आप लोगों को सच्चाई बता सकता हूँ यहाँ पे सच्चाई बता सकता हूँ। बद्री झा पहली बार जब मिले थे ना तो मैं इनको बहुत एवॉइड कर रहा था, क्या सारे गमा लेके आ जाते हैं कुछ भी मतलब का। लेकिन जब इनके साथ काम किया तो इनके अंदर बहुत कुछ है करने की, जो नहीं नाचता है उसको भी नचा देते हैं स्टेज पे, वो अलग अलग टाइप के नचाते हैं, नचा नहीं पाते हैं ये नचा देते हैं, क्योंकि इनका एंगल खुद का सोचना होता है। जो नहीं नाचने वाला है उसको भी ये नाचते हुए दिखाते हैं, रिजर्व खिसारी नहीं पहनने वाला है इसको भी पहना देते हैं। तो आपका विजन जब क्लियर होता है ना तो दुनिया का कोई भी कलाकार खूबसूरत दिखता है। हमारे भोजपुरी पे बहुत सारे कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया और इन्होंने सब पे वही काम किया जो खिसारी पे गया। ऐसा नहीं कि इन्होंने सौतेला व्यवहार किया कि उनके लिए कुछ और किया, इनके लिए कुछ और किया। जो जितना कर सकता है और जिसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से इन्होंने उसको प्रेजेंट किया। तो ये एक कंपनी की सबसे बड़ी खासियत होती है कि जो हर पूरे परिवार को एक समझता है वो परिवार कभी टूटता नहीं। और इसीलिए सारे गवा कहीं ना कहीं आज दुनिया में अपना झंडा लहरा रहा है भोजपुरी के क्षेत्र में। सबसे आज ट्रेंडिंग में तो लगता है कि मुझे इनका कब्जा ही जैसे हो गया, जैसे कि इन्होंने ट्रेंडिंग खरीद के ही रखा। एक होता है ये तो प्यार है आपके दर्शकों का कि मतलब अभी 5 गाने ट्रेंड कर रहे हैं, कुछ 4 तो आपके टॉप म्यूजिक में तो 10 है मेरे। नहीं नहीं मतलब सारे गमा के 4 हैं। तो मुझे लगता है कि मैं, एक होता है कि कभी कभी हम लोग जानते भी नहीं थे ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है। बट एक गाना मेरा जी से आया था, उसने पहली एक छठ का गाना था जो मेरा पहली बार ट्रेंड किया था, तो मुझे भी लगा ये नया प्लेटफॉर्म है क्या। तो पहली बार जी से मेरा ट्रेंडिंग शुरू हुआ और उसके बाद सारे भोजपुरी गाने, आज मुझे लगता है कि 15-15 गाने हम सबके भोजपुरी के होते हैं। तो ये गर्व की बात है कि हमारा भोजपुरी समाज और हमारे चैनल का पहला जो ट्रेंडिंग सॉन्ग था वो भी इन्हीं का था, जय जय शिव शंकर, उस ट्रेंडिंग सॉन्ग से सिलसिला शुरू हुआ। चिंता मत करिए, जो भी आपकी कंपनी पे बड़ा होगा वो मेरा ही होगा, ऐसा नहीं है, जो बेहतर करेगा सबका। देखिए भाई मैं कभी कभी मस्ती करता हूँ तो प्लीज यार कंट्रोवर्सी उसे मत करना यार, नहीं तो मैं बहुत फंस जाता हूँ मतलब कि अपने जुबान की वजह से, क्यों हम थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का हूँ मैं। आशीष जी आपको ये जो असली है थोड़ा सा बोल लीजिए ना, तो लोग बोलेंगे जी। आशीष जी के साथ हम लोगों ने फर्स्ट टाइम काम किया है तो इनका पहला गाना आया था नसुनिया जो कि हमने रात में शूट किया था और दिन में हम लोगों ने बंधु तीन दिन शूट किया था, मतलब आई थिंक मई जून था। हाँ गर्मी बहुत थी, गर्मी इतना ज्यादा था। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था हम लोगों के साथ, मतलब ये जो पहला गाना आपने शूट किया, टेक्निकली आपका पहला गाना हमारे साथ, तो सबसे पहली बात सो सॉरी मेरा गला थोड़ा सा खराब है। मुझे काम करके काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि सारी सर के साथ जो मैंने काम किया है,
एंड सारेगामापा हम भोजपुरी यानी कि सारे मत बोला करो बेबी बोला करो मुझे तो मेरे जीवन में कोई बेबी बोलने वाला नहीं सो मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके एंड एक और स्टोरी है बद्री सर की एक और स्टोरी है मैं बताना चाहूंगी पहली बार मैं किसी सेट पे रोई हूँ वो बद्री सर की वजह से इन्होंने मुझे डांट दिया था लास्ट का शॉट था इन्होंने मुझे डांट दिया और मैं रो रही थी फिर किसानी सर आए उन्होंने मुझे गले से लगाया मुझे चुप कराया बेटा तुम हार्डवर्क कर रही हो तुम्हारा हार्डवर्क एक दिन रिजल्ट लाएगा सर आपको याद है हाँ, मुझे क्या मुझे मेरे जीवन में हर चीज मुझे याद रहता है लोग भूल जाते हैं तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ देखिए खेसारी लाल के स्टेडियम क्या है नहीं है ये मायने नहीं रखता सामने वाला कलाकार को अगर मैं अपने स्टेडियम के साथ काम करूंगा तो शायद काम मेरा ही खराब होता है इसीलिए मैं कभी भी जीवन में जो भी आर्टिस्ट होता है वो कम वर्क करे या ज्यादा करे कोशिश यही करता हूँ कि वो मेरे दोस्त की तरह रहे और इसीलिए मैं उसको पहले फेरी करता हूँ बातें करता हूँ हंसी मस्ती करता हूँ ताकि उसको ये ना लगे कि खेसारी इसके दिमाग में ये लगना चाहिए कि दिस इज चिरकुट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था चिरकुट तो कहीं चिरकुट नहीं मैं मतलब कि इतना यार इसका कोई लेबल ही नहीं है मैं अपने लेबल को उस इंसान के नजर में पहले गिराता हूँ कि मेरा कोई लेबल नहीं है भाई तू बिल्कुल निश्चिंत से काम कर लेबल जो होगा वो पर्दे पे हो सकता है क्या नहीं बट मैं उसके नजर में पहले अपने लेबल को गिराता हूँ उसके बाद उसके साथ काम करता हूँ सर में एटीट्यूड नहीं है दैट सर बताना चाह रहे हैं सर एटीट्यूड नहीं दिखाते कैम स्टार कि मेरे पास बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है मेरे आगे कुछ लड़कियां घूमती हैं लड़के घूमते हैं ऐसा नहीं है तो प्रॉब्लम है मेरा मुझे इतने डीएम्स आते हैं मेरे लिए कम आते हैं सर के लिए इतने डीएम्स आते हैं कि लोग खुश रहते हैं प्लीज की सारी सर को बोलिए उनके बहुत बड़े फैन हैं और मेरा गाना जो धनिया भी था जो मैंने सारी गाँव में हम भोजपुरी से किया था बट ये हमारा अनुभव सारेगामा के साथ हमेशा अच्छा रहा और मुझे भी मैं क्या बोला कि जितने भी हमारे भोजपुरी के स्टार हैं कलाकार हैं सबका अनुभव सारेगामा के साथ हमेशा अच्छा रहा है क्योंकि ये अपने कलाकार को कलाकार की तरह नहीं बेटी की तरह संवारते हैं जैसे हमारे विक्रम सर जो कि मैं जब भी उनसे बात करता हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि मैं MD से बात कर रहा हूँ उनसे लगता है कि बड़े भाई और छोटे भाई वाला एक रिलेशनशिप है मेरा उनके अंदर और मैं जितने लोगों के साथ काम करता हूँ मैं एक परिवार समझ के ही काम करता हूँ रीजन की मैं अगर स्टार्टअप के हिसाब से काम करूंगा तो शायद ना वो मुझे अच्छे से जज कर पाएंगे और ना ही मैं उनको कर पाऊंगा तो हर इंसान को मैं जितने भी हमारे कलाकार जो मेरे भाई हैं बहने हैं जो मेरे दोस्त हैं सबसे मैं यही बोलूंगा कि जिंदगी में एटीट्यूड को अपने पर्दे पे रखना लेकिन अपने एटीट्यूड को अच्छे नेचर को दुनिया के सामने रखना एटीट्यूड के साथ काम करना बट जिंदगी को एटीट्यूड के साथ मत जीना रीजन की एटीट्यूड आपके काम में होगी ना तो दुनिया आपको पसंद करेगी लेकिन एटीट्यूड अगर आपके नेचर में होगा तो शायद आपके अपने परिवार भी आपको छोड़ देगा इसीलिए जिंदगी में हमेशा एटीट्यूड अपने काम में रखिए तो बोलिए ना हम बोलते रहते हैं क्योंकि हमारे मुंह पे मीटर नहीं लगा है मुझे भी कभी नहीं लगता है बोलिए तो आपका जो एटीट्यूड है तो उसे तो सीखने के लिए दिया यंगस्टर्स के पास कि सबसे पहले तो मेहनत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में मैं मुझे लगता है कि मैं 3 बजे सुबह भी आता हूँ तो कम से कम 400 डिप्स मार के सोता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ना मेरे पास बॉडी थी ना मेरे पास गायकी थी आज भी गायकी नहीं है आज भी बॉडी नहीं है आज भी शक्ल से मैं बहुत सलमान खान नहीं रहता बट कोशिश करने में क्या जाता है हम अपने आप को बदल सकते हैं पहले मुझे लोग लौंडा समझते थे आप लोगों के दिमाग में आजकल के जनरेशन में गे समझते हैं लोग क्योंकि मैं साड़ी पहन के पहली बार मेरी जब एंट्री हुई थी इस दुनिया में तो मैं साड़ी पहन के पहली बार एंटर किया था एक गाना था मेरा चूसा था देवरा चूसा था उस समय मेरी एज थी 16-17 साल की तो लोगों के दिमाग में इंडस्ट्री के दिमाग में यही था कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है ये मर्द है ही नहीं तो अपनी परेशानी को मैंने बदलने की कोशिश की और आज मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में दुनिया ये भी कहती है कि इससे बड़ा मर्द कोई नहीं है क्योंकि हमने अपनी हर उस परेशानी को बदला जहां लोग ये बोलते थे कि ये खेसारी लाल यादव मर्द नहीं है क्योंकि मेरी पहचान हुई थी साड़ी पहन के मैं इंटर किया था तो कलाकार जो होता है ना उसका कोई आकार नहीं होता है जहां जिसन तहां तेसन ना करे तो मर्द कैसा तो
इंसान जब कला के क्षेत्र में होता है तो आज पूरी दुनिया के नायक कहने, हिंदुस्तान के नायक कहने जाने वाले हमारे बच्चन साहब, उन्होंने भी साड़ी पहनी। तो कला क्षेत्र में ये मायने नहीं रखता कि किसने साड़ी पहनी और किसने घाघरा पहना, वो लोगों के मनोरंजन के लिए था, लेकिन लोगों ने उसको गलत साबित कर दिया कि आई एम रॉन्ग। बट कोई नहीं, आज भी मुझे साड़ी पहनना होता है तो मुझे डर थोड़ी लगता है, अब मुझे क्या बताना है लोगों को कि मैं क्या हूँ, सब तो जान ही चुके हैं। इसलिए कभी भी अपने पहचान को बताने के लिए आपको आपका वर्क ही बता सकता है। आप दुनिया को क्लियर करने जाओगे ना तो फंसते चले जाओगे, क्योंकि ये दुनिया एक दलदल है और दुनिया ही आपको निकालती भी है। दुनिया एक रस्सी भी है और दुनिया एक दलदल भी है। तो आप फंसना चाहते हो कि निकालना चाहते हो, शांत रहोगे तो कोई ना कोई रस्सी फेंक ही देगा, और हिलो डोलोगे तो फंसते जाओगे। इसीलिए जिंदगी में कभी भी सलीलता के साथ काम करिए, आपदा आती है। मेरे जीवन में मुझे लगता है कि अगर मैं खुश 2 महीने होता हूं ना तो 6 महीने तो मैं कम से कम परेशान ही रहता हूं। तो जो गाड़ी आगे चलती है ना, सबसे ज्यादा रिस्क उसी को होता है। जो सवारियों को लेकर चलता है उस ड्राइवर पे कितना रिस्क होता है, क्योंकि सारे सवारियों को मंजिल तक पहुंचाना है। और मैं एक कंपनी के लिए नहीं, करीब करीब मुझे लगता है कि 70 कंपनियों के लिए काम करता हूं, और वो 70 कंपनी सारे गवा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपना खेत बेच बेचकर कंपनी खड़ा की, और मैं कोशिश यही करता हूं कि वो भी एक दिन सारे गवा के बगल में बैठेंगे। आप ही सारे गवा बन सकते हैं, सारे गवा आसमान से नहीं, लेकिन हाँ आज सारे गवा अपने आप को सारे गवा समझता ही नहीं। आज भी जमीन पे रह के कलाकारों का सम्मान करके कलाकारों के लिए क्या कर दें। मुझे इतनी अच्छी व्यवस्था, भाई सच पूछिए तो मैं माइक पे बोल रहा हूं, कितने लोगों को बुरा भी लगेगा, इतना अच्छा व्यवस्था हमको सिनेमा में भी नहीं मिलता यार। जैसे इतना स्वीट रूम वगैरह, मैं तो स्वीट रूम में इनका ही मैं रहता हूँ, बाकी तो अमर चटाइयों को छुटा दे रहा हूँ। एक सिनेमा था, मैं गया था यूपी में करने, सर बारात घर में सो के 15 दिन काम किया, क्योंकि मुझे मेरे नेचर में है कि मैं वहां काम करने गया हूँ, मैं रहा हूँ स्वीट रूम में, ये दुनिया देखने नहीं आई, मैं काम कितना अच्छा किया हूँ ये दुनिया। बद्री झा मुझे बिजनेस क्लास का टिकट भी दे, बोलता है आदमी की तरह देख लीजिएगा, 2-4 हजार ज्यादा लगता है, क्या फर्क पड़ता है, वो काट लीजिएगा मेरे हिसाब में से, लेकिन ये काटते नहीं है, ये ब्राह्मण कुल है, और ब्राह्मण कुल के हर आदमी को मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं शिष्य भी ब्राह्मण का हूँ, तो कहीं ना कहीं इनके लिए मेरे मन में हमेशा एक सम्मान और एक बड़े भाई की तरह। मैं कलाकार बाद में हूँ, पहले इनका छोटा भाई हूँ, तो जब भी मिलता हूँ तो पैर छूता हूँ इनका, ये क्या है नहीं पता मुझे, बट एक ब्राह्मण कुल के इंसान है, इसीलिए मैं इनका पैर छू के प्रणाम करता हूँ तो मुझे ऊर्जा मिलती है कि नहीं है, मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ। तो जिंदगी में कभी भी वो किस जाति से कौन आता है ये मायने मत रखिएगा, अगर वो आपसे बड़ा है तो उसका पैर जरूर छूएगा। जानते हैं किसके हाथ में आपका कीर्तिमान लिखा है, किसी को पता नहीं। तो झुकने से बहुत कुछ मिलता है, अकड़ने से सिर्फ मौत मिलती है। तो कोशिश करिए कि झुक के अपने जीवन को बड़ा करिए, अपने माँ बाप का सम्मान करिए, अपने बड़ों का कद्र करिए, उससे बेहतर जीवन जीने का कोई जरिया नहीं है और उससे बड़ा हथियार कोई नहीं है। अगर 10 लोग आपको जानेंगे तो वही 10-20 को जनाएंगे, वही 20-30 को जनाएंगे, और ऐसे ही दुनिया में एक आप एक मिसाल कायम कर जाओगे। और दुनिया का सबसे बड़ा तरीका एक ही है कि खुद को बस डाउन टू अर्थ रखो, ये दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। थैंक यू। क्या तो हम लोग अब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते रहेंगे। एक सेकंड मुझे भी ये लास्ट में बोलना था, बद्री सर बहुत अच्छे हैं, बद्री सर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बद्री सर का दिल बहुत अच्छा, और मुझे डांटना था कोई बात नहीं सर, मैंने पहली बार डांट खाई थी तब से हम ज्यादा बहुत अच्छे हो गए हैं, और मैंने बहुत अच्छे से एक्टिंग भी की थी उसके बाद में। बद्री सर बहुत अच्छे हैं, कोई मत भूलिएगा। कोई सवाल करना चाहता है? हाँ सर, आपने इससे पहले बंगलिनिया सॉन्ग गाया था, आपको बंगाली लोग कैसे लगते हैं? भाई यहाँ हमारे बिजनेस होता है, वहाँ सब लोग अच्छे लगते हैं। भैया, सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपका जो गाना है ये बंधु 3 दिन,
ये गाना अभी पूरे भारत में ट्रेंडिंग नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? ये देखिए लोगों का प्यार है। मुझे लगता है कि माइक में बोलूंगा तो शायद आपके कैमरे में उस चीजें साफ नहीं आएगी। आगे ट्रेंडिंग में होना और नहीं होना ये मेरे मायने नहीं रखता। मैं लोगों पे अपनी छवि और अपने संगीत का असर कितना छोड़ जाता हूँ ये मेरे लिए मायने रखता है। मैं रीवर के लिए काम नहीं करता कभी कि मेरा रीवर कितना आ गया, मेरे रील कितने बन गए, नहीं। मुझे लगता है कि मैं असर कितना कर गया। देखिए मेरे कहने का मतलब कोरोना काल में जान कितनी बची ये मायने रखता है, मरे कितने लोग ये मायने नहीं रखता है। हमें गिनती बचाने वाले की होनी चाहिए। तो हमारे संगीत से खुशी कितने लोगों की मिल रही है मैं उसके लिए हमेशा काम करता हूँ। और एक चीज और कि मैं महीने के 20 गाने गाता हूँ। कितने लोगों का ये होता है कि यार इतना गाना क्यों गाते हो, इतना गाना। मैं 20 घर चलाने के लिए गाता हूँ, मैं अपना घर चलाने के लिए नहीं गाता हूँ। क्योंकि वो 20 कंपनियां होती हैं और उन 20 के साथ कहीं ना कहीं उनका परिवार जुड़ा होता है, इसलिए मुझे गाना पड़ता है, बाकी कोई बात नहीं। खेसारी जी इतनी सारी बातें हो गई पर सबसे पहले ये गाना हो जाए बंधु 3 दिन कहाँ रह लो सुन लेने तू काट तो हीरोइनी ना इगावे लेना नहीं कर गाला ठीक नहीं ने बंधु 3 दिन तोरे बाड़ी का गलम देखा पहला ना बंधु 3 दिन दूसरा लाइन हीरोइन भी है ना तो उसका भी लाइन है तो उसका लाइन हम नहीं जानते हैं। ये हीरोइन का गला ठीक नहीं है। मैं हीरोइन के साथ एक सिंगर भी हूँ मैं जरूर। अरे ये गाती हैं हाँ गुड, ये सिंगर हैं, ये एक्टर बाद में ये सिंगर बन गए हैं। बिल्कुल बट गाइए तो मैं थोड़ा गला कर रहा हूँ तो नहीं करना जरूर था जब हम छाप दिए थे तो भैया प्रणाम। हर बार कॉन्ट्रोवर्सी में Thank you.